नमस्कार दाएंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की सुर्खियों का। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड को दी हरी झंडी। गंगयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए किए मंजूर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप। कांग्रेस ने मनाया 134वां स्थापना दिवस, सचिन पायलट ने फहराया झंडा, कहा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का करेंगे प्रयास। और सिविल लाइंस क्षेत्र में सरकारी बंगले में तोड़फोड़ का मामला आया सामने, असामाजिक तत्वों ने तोड़ी पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी की नेम प्लेट। बांग्लादेश के लिए साल 2018 जाते जाते काफी अहम साबित होने वाला है। दक्षिण एशिया के इस देश में रविवार को होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। हालांकि बांग्लादेश में इस बार के चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में अलग होंगे, क्योंकि इस बार दो बेगम शेख हसीना और खालिदा जिया आमने सामने नहीं होंगी। खालिदा जिया भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में सजा काट रही हैं। इस बीच बांग्लादेश में कई घंटों तक हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं बंद रहने के बाद बहाल कर दी गईं। आम चुनाव के मद्देनजर देश के दूर संचार नियामक के आदेश के बाद गुरुवार देर रात को मोबाइल ऑपरेटरों ने अपनी 3G और 4G सेवाएं बंद कर दी। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और पूर्व सैन्य तानाशाह जिया और रहमान की पत्नी खालिदा जिया 1980 के दशक से बांग्लादेश की राजनीति की दो केंद्र बनी हुई हैं। हसीना जहां आगामी चुनाव में चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद संजोए हुए हैं, वहीं खालिदा ढाका जेल में अपने राजनीतिक भविष्य के लिए संघर्ष कर रही हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की गंभीर घटनाओं में दोषी को मौत की सजा पर पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। साल 2019 के लिए कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,511 रुपए से बढ़ाकर 9,521 रुपए प्रति क्विंटल, कोपरा गोला का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,750 रुपए से बढ़ाकर 9,920 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी गंगयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इस मिशन के तहत 3 सदस्यीय क्रू कम से कम 7 दिन के लिए अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने इस अभियान के लिए राशि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। मीडिया को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अंतरिक्ष पर मानव मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी स्पीच में गंगयान प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि यह मिशन 2022 तक पूरा होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में मदद के लिए भारत ने पहले ही रूस और फ्रांस के साथ करार कर लिया है। नया साल कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। ऐसे में उन पिता के लिए खुशखबरी है जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने उन कर्मचारियों को राहत दी है जो सिंगल पेरेंट हैं। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि जो पिता अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले कर रहे हैं, उन्हें चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है, यानी उन्हें अपने बच्चों की परवरिश के लिए छुट्टी दी जा सकती है। बता दें, नए नियम के अनुसार सिंगल केंद्र सरकार के पुरुष कर्मचारी को 730 दिन की छुट्टी बच्चों की देखभाल के लिए ले सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये ऐसा पहली बार हुआ है जब सिंगल पिता को बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी देने का फैसला लिया गया है। चाइल्ड केयर लीव की सिफारिश 7वें वेतन आयोग ने की थी ताकि सिंगल पिता को बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी मिले। सिफारिश के अनुसार 8 साल की उम्र से कम बच्चों की देखभाल करने वाले सिंगल पिता महिला कर्मचारियों के समान CCL का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने भूटान की पंचवर्षीय विकास योजना सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भूटान के विकास में भारत हमेशा की तरह एक भरोसेमंद मित्र और साझेदार की भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4,500 करोड़ रुपए का योगदान देगा। ये योगदान भूटान के आर्थिक विकास में मदद करेगा। मोदी ने कहा कि मुलाकात के दौरान हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में सहयोग की समीक्षा की गई।
मांगदेचू प्रोजेक्ट पर काम पूरा होने वाला है। हम दोनों सभी प्रोजेक्ट्स को और अधिक गति देना चाहते हैं। कांग्रेस नेताओं ने अनुपम खेर अभिनीत फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को अपनी पार्टी के खिलाफ भाजपा का दुष्प्रचार करार दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस फिल्म को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा का ये दुष्प्रचार काम नहीं करेगा और सच की जीत होगी। फिल्म से जुड़े भाजपा के एक ट्वीट के जवाब में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा का ये दुष्प्रचार हमें मोदी सरकार से ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं, GST को गलत ढंग से लागू करने, अर्थव्यवस्था की स्थिति और भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार से सवाल करने से नहीं रोक सकता। कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने इस फिल्म के बारे में पूछा तो पूर्व प्रधानमंत्री सिंह ने कोई टिप्पणी नहीं की। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ ये दुष्प्रचार काम नहीं करेगा तथा सच की जीत होगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायक आपस में भिड़ गए, बात हाथापाई तक पहुंच गई और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे डाली। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सेशन के पहले दिन ही बवाल हो गया। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर बहस चल रही थी कि इनेलो और BJP के विधायक आपस में भिड़ गए। बहस के बीच इनेलो प्रमुख अभय चौटाला को राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने गुंडागर्दी करने की बात कह दी। इस पर इनेलो विधायक भड़क गए। अभय चौटाला और कृष्ण बेदी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी लेकिन बीच बचाव करके उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने सदन के बाहर एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दे डाली। देश के सबसे पुराने और अग्रिम सियासी दल कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 133 साल पूरे करते हुए 134वें साल में प्रवेश कर लिया है। पार्टी का 134वां स्थापना दिवस देश भर में बेहद सादगी के साथ मनाया गया। प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम राजधानी स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में हुआ। PCC में PCC चीफ और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने झंडा फहराया। कार्यक्रम में BD कल्ला, CP जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर पायलट ने जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत ही कम ही दल हैं जिन्होंने इतने साल तक जनता की सेवा की है। वहीं स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि एक बार फिर हर कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्प लेता है कि चाहे वो सरकार में रहे या चाहे विपक्ष में, लेकिन जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अब विभागों का बंटवारा हो गया है, हम ऐसी सरकार देंगे जो जनता की सेवा करे। परिवहन मंत्री ने कहा कि सबको प्रेम की राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है और देश भर के समूचे कांग्रेस के परिवार के लोगों को और देशवासियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब देश में क्या परिस्थिति थी हम सब जानते हैं और दुनिया में ऐसे बहुत कम दल हैं जो 130-135 साल जनता की सेवा करने के लिए उनको सौभाग्य मिला है। और कांग्रेस पार्टी आज के दिन पुनः संकल्प लेती है कि हम जिस स्थिति में भी रहें, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम लोग जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। और आज 3 राज्यों में जो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, इसके लिए मैं कांग्रेस के नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस आक्रमकता से उन्होंने भाजपा की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है, जो चुनौतीपूर्ण सवाल पूछे हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री जी और भाजपा दे नहीं पाए, जनता ने वह जवाब दिया है और शानदार जीत 3 राज्यों में हुई है। ये आने वाले समय का संकेत भी है कि 2019 में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो जनता पूरा हिसाब किताब सूच समेत देगी और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार देश भर में बनेगी। कांग्रेस पार्टी जो नई डेमोग्राफी बदली है, उन नई जनरेशन की जो एस्पिरेशन है उनको समझकर उनके जो इश्यूज है उनको एड्रेस करेगी। समोटा इश्यू आज की डेट में उभर कर आया कि नौजवान आदमी रोजगार चाहता है। रोजगार का मतलब केवल मात्र सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार का मतलब हम प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कैसे दे सकते हैं, उनको खुद को एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। नई पीढ़ी के लोगों को जो एक्सपोजर मिला नॉलेज का, जो पहले पुरानी पीढ़ी को नहीं था, आज मोबाइल पे गूगल पर हर चीज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो नई पीढ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आज सरकार से अपेक्षा कर रही है। तो ये जो एस्पिरेशन है उस एस्पिरेशन को एड्रेस करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है, हम सबके लिए संकल्प का दिन है और वो संकल्प जो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ने के वक्त लिया था, कांग्रेस पार्टी लड़ी सुभाष चंद्र बोस,
और सारे लोग मिलकर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सब लोग, हर जाति धर्म के लोग खड़े हो गए कांग्रेस के साथ, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश आज़ाद हुआ। आज उसी कांग्रेस का स्थापना दिवस है, सारे विभागों का बंटवारा हो गया है, अब जिम्मेदारी है लोगों तक सुकून की सरकार पहुंचाने की, एक ऐसी सरकार जो लोगों के सामने झुककर काम करे, ऐसी सरकार जो हाथ जोड़कर काम करे। MLA, मंत्री, चीफ मिनिस्टर, सारे लोग हम जनसेवक हैं, हमारी जिम्मेदारी है झुककर विनम्रता के साथ नफरत की राजनीति को छोड़कर प्रेम की राजनीति के लिए काम करें। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, जिससे भी हमने घोषणा पत्र में वादे किए सब वादे पूरे करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के अलावा पार्टी के तमाम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। सभी ने शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर रहने का गौरव हासिल हुआ। शास्त्री का जन्म जयपुर जिले के ही जोबनेर में 24 नवम्बर 1899 को एक किसान परिवार में हुआ था। उनका देहावसान 28 दिसंबर 1974 को हुआ। अशोक गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक शनिवार को सीएमओ में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस पहली कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस सरकार अपने जन घोषणा पत्र को लेकर सभी मंत्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। साथ ही जन घोषणा पत्र में से कौन कौन सी घोषणाओं को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। राजधानी के सबसे अति सुरक्षित माने जाने वाले सिविल लाइन क्षेत्र में मंत्री के सरकारी बंगले में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। घटना सिविल लाइन्स इलाके में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के सरकारी बंगले की है, जहां बंगला नंबर 47 पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने पत्थर फेंके और बंगले के बाहर मंत्री की नेम प्लेट को तोड़ दिया। घटना के वक्त पूर्व मंत्री बंगले में मौजूद नहीं थे। सुबह तोड़फोड़ व पत्थर फेंकने की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री के स्टाफ ने सोडाला थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची सोडाला थाना पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर बंगले से कई पत्थर बरामद किए। पुलिस पत्थर फेंकने और तोड़फोड़ करने वालों की तलाश कर रही है। बदमाशों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। राजस्थान में आयोजित 63वें नेटकॉन सम्मेलन में सैनिटरी नैपकिन के क्षेत्र में नई खोज करने वाली कंपनियां शामिल होंगी। इस अवसर पर 9 सैनिटरी नैपकिन ने भारत में मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़े मुद्दे और जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने नए अभियान की घोषणा की। 9 सैनिटरी नैपकिन के पदाधिकारियों ने बताया कि JCI और 9 के बीच साझेदारी के अगले चरण की घोषणा 29 दिसंबर को की जाएगी। इसके तहत पूरे राजस्थान में मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता में सुधार का शुभारम्भ किया जाएगा। इसका नेतृत्व 9 आंदोलन की ओर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चैलेंजर सैनिटरी नैपकिन ब्रांड की ओर से शुरू की गई एक पहल है, जो भारत में मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी नैपकिन के उपयोग करने वाले 18% महिलाओं और पुरानी प्रथाओं में उलझी 82% महिलाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए शुरू की गई है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने 9 सैनिटरी नैपकिन्स लॉन्च किए हैं, और उसका कारण ये था, हमने इसको एक बहुत अलग तरीके से लॉन्च किया है, एक चैलेंजर ब्रांड के तौर पे। उसका कारण ये था कि इंडिया में आज भी सिर्फ 18% लड़कियां और महिलाएं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं। और एक दूसरी तरीके से देखा जाए, एक रिसर्च की गई जहाँ पता चला कि सिर्फ 50-55% महिलाएँ जानती हैं इंडिया में कि भाई सैनिटरी नैपकिन्स का उपयोग कैसे किया जाए। अगर हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान में इसकी संख्या 59% है। कहने का मतलब है कि 59% औरतें इसके बारे में नहीं जानती। तो इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने 9 को एज अ फाउंडेशन भी लॉन्च किया है, जहां पे हम NGOs के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट मांग रहे हैं ताकि वो हमें जाके अवेयरनेस ड्राइव करने दे। हम लोग स्कूलों में, गाँव में जाके इसकी सैम्पलिंग भी करते हैं। मेलबर्न की मुश्किल पिच पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हार की तरफ धकेल दिया है और अब तक कुल 346 रनों की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 54 रन बनाए हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जारी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 346 रनों की बढ़त ले ली है।
ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 151 रनों पर समेटने के बाद भारत ने स्टंप्स तक अपनी दूसरी पारी में 54 रनों का स्कोर बनाया। टीम के लिए मयंक अग्रवाल 28 और ऋषभ पंत 6 रन बनाकर नाबाद हैं। इस पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पैट कमिंस ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए हैं, वहीं जोश हेजलवुड को एक सफलता मिली है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 151 रनों का स्कोर बनाया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।